हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम विख्यात संस्था अंजुमन गुलामानी मुस्तफ़ा सोसाइटी द्वारा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सोसाइटी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर आज हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि संस्था ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है और इस साल भी आगामी 10 और 11 अक्टूबर को विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम किए जाएंगे। हरिद्वार से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। अंजुमन गुलामाने मुस्तफर, आपका जो कार्यक्रम यह है कि ये महीना जो है इसमें हमारे हजूर यानी रबीउल अव्वल कहते हैं, 12 रबीउल अव्वल को आप दुनिया में तशरीफ लाए, हम इसी सिलसिले में खुशियां मनाते हैं। पूरा महीना खुशियों से भरा है, खुशियां मनाते हैं, वितरित करते हैं लंगर बांटते हैं, सूखा गीला सब लंगर बांटते हैं, फल वितरित करते हैं। और ये प्रोग्राम सादा भाई ने बताया, मैं भी दोबारा बता देता हूँ कि 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर होगा वर्धा एकेडमी ज्वालापुर अहबाब नगर। दूसरे वहाँ होगा जो प्रोग्राम हमारा है 7:30 बजे के बाद संगम पैलेस सराय रोड हरिद्वार में होना है, एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। ये हो गया 11 तारीख का। 19 तारीख को जुलूस निकलेगा आप लोगों के सहयोग से, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है जो जिले के मुस्लिमों की प्रतिनिधि संस्था है। ये महीना प्रॉफेट मोहम्मद के जन्म दिवस का महीना है, जिसको रबीउल अव्वल कहा जाता है, और इस महीने अंजुमन बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक आयोजनों का आयोजन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रक्तदान शिविर, पीस कॉन्फ्रेंस और जुलूस ईद मिलादुन्नबी रहता है। उन्हीं आयोजनों की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ आए कि आपके माध्यम से जो है शहर के लोगों को समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। मुख्य रूप से रहेंगे और सर्वप्रथम जो है 10 तारीख को रक्तदान शिविर रहेगा वर्धा अकेडमी स्कूल अहबाब नगर ज्वालापुर में। उसके बाद 11 तारीख को एक पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, जिसका मुख्य विषय जो है वो ये है पैगम्बर मोहम्मद साहब, प्रेम मोहब्बत और इंसानियत के अलमबरदार। इस विषय पर कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन होना है, जिसमें मुख्य रूप से श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और दरगाह सहीर पाक के सजादा नशीन अली मंजर राजा सावरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस का आयोजन रहेगा। और यहाँ ये आवश्यक रूप से बता दूँ कि समस्त कार्यक्रम जो है कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे।